सबसे पहले स्वागत है आपका आमेर में। जयपुर के राजा की पुरानी राजधानी है आमेर। यहाँ के जो राजा थे कछवा वंश के राज, भगवान राम के दो बेटे लव और कुश के वंश थे, इसलिए इसके राजवंश का नाम पड़ा कछवा राजवंश। हजार साल पुराना इनका इतिहास हो गया। तो 500 सालों तक नीचे गांव में रहे, 200 सालों तक यहाँ पर रहे, उसके बाद जयपुर में चले गए। अलग अलग टाइम में अलग अलग राजा वगैरह अलग अलग सामने वाले जो हवेली आप देख रहे हैं राजा भारमल का हवेली। भारमल जो थे जोधाबाई के पिता, जोधाबाई का जन्म स्थान बर्थ प्लेस ये है। जोधा अकबर की शादी के बाद यहाँ का राजा मानसिंह जो अकबर की सेना का सेनापति बना था 1590 में इसका काम चालू हुआ। 1727 में जाके पूरा कंप्लीट हुआ, 137 साल में बनके तैयार हुआ। तीन जनरेशन ने मिलकर इसको कंप्लीट किया। पहले मानसिंह फर्स्ट, उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट, उसके बाद में सवाई जयसिंह सेकंड। ऐसे तीनों राजाओं ने 137 साल में उसको कंप्लीट किया। फिर यहीं से जाकर फिर 18 नवंबर 1727 में जयपुर शहर बसाया था। जयसिंह के नाम पर उसका नाम रखा गया जयपुर। ये कछवा वंश के राजपूत जो थे, ये हजार साल में उनका इतिहास। तो ये जो पहाड़ के ऊपर आप जो दीवार आप देख रहे हैं ना, ये अराउंड 12 किलोमीटर का दीवार है जो तीन चीज़ों को कवर करेगी। आमेर गांव देखिए, जहाँ पर राजा जयगढ़ तीसरा, जहाँ पर राजा की आर्मी रहेगी। इसमें राजा का खजाना, उसका अस्त्र शस्त्र रस सामग्री और आर्मी वो जयगढ़ फोर्ट में रहेगी। जयगढ़ फोर्ट प्राइवेट पार्ट है आज भी रॉयल फैमिली के अंडर में। और आमेर का जो फोर्ट गवर्नमेंट के अंडर में, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2013 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित किया। तो इसके चारों तरफ दीवार के चारों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई है, घोड़ों के द्वारा और पैदल पेट्रोलिंग सैनिकों के द्वारा चारों तरफ की जाती है। तो आमेर गांव में पहले मीणाओं का राज हुआ करता था। मीणा एक आदिवासी लोग होते थे यहाँ पर, इनका जो वंशज है धूल्य है। मीणाओं का राज अपना राज्य स्थापित किया आमेर, और उसके बाद अपना राजधानी आमेर, नया राजधानी जयपुर बाद में। Thank you.
आगे पार्टी ओपन हो जाएगी, मतलब ये रास्ता यहाँ से जाएगा और जैकेट फोर्ट में जाएगा, जैकेट फोर्ट में निकलेगा जाके जी। तीनों नाम से राजा मानसिंह थे, उनकी 12 रानियां करते थे, 12 रानी के 12 रूम यहाँ पर अराउंड चारों तरफ बनाए ग्राउंड फ्लोर में, और यहाँ सिर्फ राजा और रानी, राजा के अलावा दूसरा मेज यहाँ पर आदमी अलाउ नहीं होता, तो रानी के सर्वेंट रहते दासियाँ वो ऊपर रहेंगी, रानियाँ नीचे रहेंगी, और यहाँ पर जो गार्ड्स लगे वो ट्रांसजेंडर लगे हिजड़े, क्योंकि मेन यहाँ पर अलाउ नहीं होंगे तो उनकी सुरक्षा के ट्रांसजेंडर यहाँ पर। तो तीन केबिन इस साइड में बनाएंगे, एक दो तीन इस साइड में है ना, तो जो दीवार के पीछे रूम बनाए गए तीन रूम है, इसके अंदर तीन महल है, तीन इसके सामने हो गए, तीन अपने नीचे और तीन ही सामने हो गए, 12 तो इसको अगल बगल में दीवार बना के और आम